सेवा भाव से जहां पे भी मीटिंगें होती हैं तो उनको कह देते हैं तो वही लंगर उनका पहुंच जाता है। पूरा दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा बड़ा योगदान उनका है तो हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद समस्त लोगों का धन्यवाद जो यहां पर आए, जो पत्रकार बंधु है, हमको पता है कि आपकी बहुत सी मजबूरी प्रेस वालों की है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, उसके बाद में भी आप दिखाते हो तो आपका धन्यवाद है। आजादी चाहिए आपको भी, देश में प्रेस को भी आजादी चाहिए और देश में सबको ये आजादी की लड़ाई है। दूसरी जो इंटरनल आजादी है ये उसकी लड़ाई है, इस लड़ाई में सभी लोग भागीदारी रहे, सभी की जिम्मेदारी है। यहाँ पे पुलिस फोर्स के लोग भी होंगे, इनकी भी सैलरी 20-25, 25 और 30 हजार रुपए में नौकरी करवाते हो 24-24 घंटे, इनको भी टीचर के बराबर आप सैलरी 60 और 70 हजार रुपए क्यों नहीं देते? इनका भी आप मकान देखोगे तो 500 स्क्वायर फीट में इनका मकान है। किसी भी पुलिस वाले से आपकी यारी दोस्ती हो आपके सरकारी क्वार्टर में आपको ले जाएगा नहीं, क्योंकि उसका एक कमरे का क्वार्टर, उसके माँ बाप भी उसमें नहीं रह सकते। आप इनसे ड्यूटी 24-24 घंटे लोगे, आप इनकी पेंशन बंद करोगे, ये आंदोलन नहीं कर सकते तो इनकी आवाज ये किसान मोर्चा उठाएगा। इनकी पेंशन बहाली करो, 2014 के 2004 के बाद में पेंशन बंद कर दी कर्मचारियों की, क्यों ये कहां जाएंगे? सैलरी कम, पेंशन बंद, ड्यूटी ज्यादा, बोलना बंद, ऐसा कैसा होगा? ये सब किसान परिवारों से है, 2 रुपया इनके पास में ज्यादा जाएगा तो घर में ही लगेगा, किसी गांव में लगेगा, कोई पुताई करवाओगा, कोई मकान बनवाएगा, तो इनकी भी आवाज उठेगी। प्रेस के लोग भी बहुत कहीं ना कहीं झगड़ा होता है तो उसमें सबसे पहली रिपोर्टिंग करते हैं, वहां फायरिंग में उसमें मारे जाते हैं, तो इनके लिए आवाज कौन उठाएगा?